इधर का लड़कियों का मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, इधर देखिए ब्रा भी है इधर। चलिए, क्या है ये दिखा जरा। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। आज के वीडियो में आपको ले चल रहे हैं एक गांव में जहां पे है सेकंड हैंड माल बिकता है। ठीक है, और आपको दिखाएंगे सेकंड हैंड सामान में क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा एक साइन बोर्ड भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये है यार्ड सेल सैटरडे। तो जनरली क्या होता है कि जिसके घर में बच्चे होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, तो वो खरीद करके 4 साल में 5 साल में उनका घर भर जाता है। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना होता है। बच्चों से ही संबंधित नहीं बल्कि किसान अपना किसानों से संबंधित औजार होते हैं या कार से संबंधित कुछ सामान होते हैं, कपड़े होते हैं, जूता चप्पल जितने बर्तन होते हैं अगर आउटडेटेड हो जाते हैं उनको हटाना होता है। तो वो जो है अपने घर के सामने ही एक जो है सेल लगा देते हैं और नोटिस लगा देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यार्ड सेल। ठीक है, इस बोर्ड के इस पर आप लिखा हुआ है। अब इस रोड से जो भी आए जाएगा इसको देखेगा तो वापस आ जाएगा। तो हम भी उसी को देख के आए हैं और आपको दिखाने के लिए आए हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है बच्चों के क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉय भी मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए जो ट्रक है इसी ट्रक में भर के शायद ले आए होंगे और हमारा प्रोग्राम शुरू होता है यहाँ से। देखिए ये बाइक भी सेल पे है। ठीक है, तो ये गोल्फ है, बच्चों को वहाँ से खेलते हैं और इसको इस होल में डालना होता है। तो ये देखिए ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे बच्चों को खेलने के लिए। और ये है पुराने ज़माने का कैसेट जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, भारत में तो कहीं नहीं मिलेगा, अमेरिका में अभी भी चलता है ये। देखिए $19 का कैसेट है ये। हम सब जो रात में मूवी देखा करते थे सुनी है ना VCR में, तो उसका हेड ही गंदा हो जाता था। ये देखिए जब हेड गंदा हो जाता था तो भैया को जगाते थे। ठीक है कि भैया उठो। अब हम सब भी धीरे धीरे स्त्रियाना सीख ही गए थे। देखो यहाँ पे एक प्रेस है, बटन उसको दबा के भैया खोलता था और उसके बाद हम एक हाथ से शायद ना खोल पाए लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए तो आप यही है जो हेड गंदा करता था और पूरा मजा किरकिरा कर देता था। ठीक है, तो ये सब आपको जो है ये देखिए लिखा है $1 यानी $70-80 में आपको एक एक मिल जाएगा। परफेक्ट। और देखिए एक लड़की का पूरा पर्स है। ठीक है, और ये है सामान उठाने का औजार। इसको पकड़ के अब कोई भी वजनी सामान उठाना हो नहीं ये कार लॉक है, कार का हैंडल है, हैंडल को जो लॉक कर देते हैं यहाँ से चाबी लगा के छोड़ देंगे। व्हाट इज दिस? It's for cutting wood. Oh, cutting wood. If you get $20 out of it, I'd let it go for $20. You can cut, let's see. How do I do that? You can cut, you can lock that in and cut this way. Mm-hmm. Oh, yeah. You can yeah. cut all different ways with it. Mm-hmm. Cross cut. Oh, yeah. You can go up and down with uh-huh, it. Uh-huh. I have a generator, runs. Generator. Okay, Honda. That's an edger and it runs. You know, for edging sidewalk. Mm-hmm. It's for the grass cutting and all that, right? That's made so you can cut the grass on the edges of the sidewalk. देखिए घास काटने की मशीन है, साइड में काटने के लिए होता है, उसे भैया चलाते हुए दिखा। तो देखिए ये होंडा है और भैया चला के भी दिखाने जा रहा है। थैंक यू। तो देखिए ये होंडा है और इधर रखा है सीडी। और होंडा और सीडी में क्या संबंध है आप हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, ओके। व्हिच वन? द होल बॉक्स। ओके ओके, वी कैन टेक होल बॉक्स। ओके, Yes, can we get some gas? Yes. Yeah. क्या है ये? ट्रेन? ट्रेन? ओके। या, ओके। ओके, ओह शूट, ओके, ओके। तो देखिए एक डॉलर में हमको इतना ढेर सारा पजल मिला। यस, वी कैन टेक वन। देखिए भैया को ये पसंद है और बहन को ये पसंद है। या, वी कैन टेक होल बॉक्स। ओके? We are taking these two. How much is this one? $2. Okay.
तो देखिए ये जो है ये हमको $2 में दे रहे हैं और ये हमको $1 में दे रहे हैं, तो $3 में इतना ढेर सारा क्वार्क। तो ये होते हैं फायदे। ओ या आई कैन टेक वन, तो ये इस तरह से आप जो है ये फ्री नोटबुक टाइप से है, बच्चे लोग बहुत पसंद करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हैं फ़ायदे, ठीक है। तो इसको भी ले लेता हूँ मैं, तो और दिखाते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या है। देखो फोटो फ्रेम है, ये मेरा लेने का मन है, हमारे घर में जो है फैमिली फ़ोटो फ्रेम नहीं है। और ये क्या है, ये देखिए कैंडल है, पिघलाइए। और ये देखिए हैंडल है, हैंडल में जो छोटे छोटे रैक होते हैं, ठीक है। इधर ये है, और ये देखिए जो क्रिसमस ट्री पे लोग टांगते हैं, इस तरह से आप टांग सकते हैं, ठीक है। और सामने जो घर देख रहे हैं, इसी घर का मालिक है ये। और देखिए चम्मच है इतने ढेर सारे, और है, ओ माय गॉड, अरे कोका कोला, ये चम्मच मैं सोच रहा था ले लेने के लिए, थोड़ा पुराने स्टाइल का है ये, ठीक है। मुझे ये वाला जो पीछे जो डिज़ाइन होता है ना, पता नहीं क्यों मेरा, मुझे पसंद नहीं है ये, ठीक है, इसलिए मैं लूँगा ना इसको। पीछे जो डिज़ाइन नहीं होता, इस प्लेन होता है ना, वो मेरे लिए अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, ये सब साइकोलॉजिकल है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ले नहीं था। और ना आप पिक कर दे उसको, और देखिए क्या क्या, और ये सब दारू वारू पीना, वाइन्स। ये देखिए एक बड़ा सा लेडी बैग है लड़कियों के लिए, ठीक है, मतलब लड़की इसमें खुद बैठ सकती है। और इधर सब पुराने सामान हैं, ये शायद अगर रात में जलाओगे ना तो बहुत बढ़िया चलता है, ये $5 का है, ऑर्नामेंटल के लिए है, वैसे ऑफिस वगैरह में या फिर बेडरूम में रखने के लिए मस्त चीज़ है वैसे। इसको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, रस्सी बांधना हो, बाइक पार्क ना हो, कहीं अगर आप हाइकिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। चल रहे हैं वेट, तुम तो अपना ढूंढ लियो, हमें भी अपना ढूंढ लेंगे। देखिए क्रिसमस ट्री पे टांगने के लिए ये बॉल्स, ये 300 सर्कल लाइट, ये देखिए लाइट है, झालर चाइना वाला झालर है, अब इस तरह से है। ये सब आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, मैं दाम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन $1-2 के होंगे ये सब। ये देखिए ये सब कैंडल हैं, ये आप इसको जला के कई कैंडल बना सकते हैं, ये वैक्स है एक तरह से, ठीक है, ये आपको $1 में मिल जाएंगे। वाह इतना सस्ता कैंडल, तो ये चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए ये बल्ब हैं, सारे बल्ब काम कर रहे हैं, 25 सेंट मतलब 25 पैसा का है, ठीक है, जबकि ये $4-5 का एक मिलता होगा मुझे लग रहा है। इधर देखते हैं क्या, इधर तकिया सकिया है, और ये क्या है, वुडो फुट मसाजर, ओके, सो पुट द फीट हियर लाइक दिस, ओके, एंड यू कैन यूज बोथ साइड आई थिंक, बढ़िया, तुम्हें चाहिए फुट मसाजर, उसे पैर रखे ऐसे कर सकते हैं। सोप है क्या? ये देखिए सोप है, स्पेशल सोप है, कुछ ट्विंकल ट्विंकल गोट मिल्क। ये देखिए बकरी के दूध का बना हुआ है सोप, ठीक है, मैंने तो बनाया हुआ है इसलिए मुझे पता है इसका इम्पोर्टेंस। ये है आपको झालर माला गर्दन में पहनने के लिए है, ठीक है, लड़कियों के लिए अच्छा है। ये इसमें $5 का पूरा सेट है, ठीक है, इसमें भी देखिए स्मूथ नहीं है, इसमें ले लेता है। हाँ चल रहे हैं भैया, तुम तो अपना ढूंढ लियो, मुझे भी अपना ढूंढ लेने दो। ये देखिए सारे कपड़े हैं, मैं अभी खोलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, ये सब आपको $1-2 में मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी देखिए ढेर सारे कपड़े हैं यहाँ पे, ये तो ढेर सारे कपड़े हैं ही हैं। इसमें देखिए ये लेदर का है ये, ठीक है, लेदर का लड़कियों का मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। इधर देखिए ये ब्रा भी है, इधर चलिए क्या है ये दिखाएं जरा, तो
चक्का प्लेट। और यहाँ पे है राइस कुकर, और ये है फ्रॉक साइज से $3 के हैं। ये देखिए मछली खिलाने के लिए चारा है। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे जो है सिक्का का एक एल्बम है, इसको मैं जरूर लूँगा क्योंकि जो है सिक्का मैं खुद कलेक्ट करता हूँ, मेरी हॉबी है सिक्का कलेक्ट करने की। मेरे पास बहुत से कंट्री के, बहुत से इंडिया के, बहुत पुराने पुराने जमाने के सिक्के हैं मेरे पास। एक दिन मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। ये मेरे पास ये देखिए घड़ी हाथ में पहनने के लिए, मतलब रिस्ट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रोड के किनारे आप सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है ढेर सारे लोग बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। ये पेट्रोल रखने के लिए, अगर आपको घास वास काटते हैं घर में तो पेट्रोल डीजल खरीदना होता है, तो आप इसमें ले रख सकते हैं। हाउ मच इज दिस फॉर? $5 ओके। माय सिस्टर-इन-लॉ गॉट Amazon got, she got rooked or whatever, mm-hmm. so they sent them. So I priced 15. How much it was. That's on Amazon. Okay, okay. But $5. Okay, I can take one. Okay, so I want to pay for all these here. So 5, 6, mm-hmm. 7, 8. Mm-hmm. Is that good? Okay, yeah, yeah. Okay? No. How much is this for the coin? $1. Okay. And then $1. You can keep it anyway. I don't know which one you're talking about. What about the Mario? You want it or you don't want it, Arno? Actually, I don't. You don't want the Lego now? We already bought a lot. Okay, sounds good. That's good for me. And we got a bear. $8. And all the money will be different. And what do you have to pay for this? Give them $3. $3. That's it. I think I'm going to get Arno's money. इस तरह से आके नहीं जा रहा, एक 12 रुपए में हमको ढेर सारा सामान मिल गया, ठीक है। बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना सामान जो है लोग, कई परिवार इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा हो करके सब अपना अलग अलग सामान रखे हैं, और उन्होंने देखा है साथ में एक पिज्जा और ड्रिंक भी मंगाया हुआ है ताकि सब लोग लंच कर लें इकट्ठा मिल के, ठीक है। और काइंड ऑफ गेट टुगेदर होता है फैमिली वालों का भी, मज़ा आता है। बेचना एक बहाना होता है, और दरअसल में वो अपने आप नहीं कोई खरीदेगा तो फेंक भी देंगे उसको, ठीक है। इसलिए जो है एक एक डॉलर में, दो दो डॉलर में जो जैसे मिल रहा है वैसे भी मिला है। और एक चीज़ आपने ध्यान दिया कि जब भी मैं बोलता था कि जब भी वो बोलते थे $3, हाउ मच, वो बोलते हैं $3, वो अगला सेंटेंस बोलते थे इज दैट ओके फॉर यू, मतलब वो बार्गेनिंग भी करने के लिए तैयार रहते हैं कि अगर $3 से कम देना चाहते हैं तो भी हम बोलेंगे। तो ये जनरली जो है कई फैमिली आपस में इकट्ठा होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। वो शनिचर का दिन कैसा रहेगा? शनिचर सही है, ठीक है। तो शनिवार रविवार जनरली दो दिन जो है यहाँ पे यार्ड सेल लगते हैं, तो आपस में इकट्ठा होते हैं गाड़ी में, ट्रक के ट्रंक है ना, इंडिया में ट्रंक को क्या बोलते हैं? डिग्गी। क्योंकि हम इंडिया में कभी कार नहीं चलाए हैं ना, तो हमको पता नहीं है टर्मिनोलॉजी। डिग्गी में भर देते हैं, और भरने के बाद ले आते हैं एक जगह इकट्ठा होते हैं, और फिर उसको बेचते हैं। बेचने का मतलब एक तरह से गेट टुगेदर होता है उनके लिए, अच्छी खासे पार्टी करते हैं, पिज्जा से ज़्यादा करते हैं, जितना मिलता नहीं पैसा उतना ज़्यादा वहाँ उड़ा देते हैं वो दारू सारू पी करके, ठीक है। और ज़्यादातर ओल्ड लोग होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो इस तरह से वो दे कैन एंजॉय दैट मोमेंट, ठीक है। और Bye-bye.